हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी है वो मसाला खिचड़ी की रेसिपी है। हाफ कटोरी राइस और हाफ कटोरी धुली हुई मूंग दाल को हमने धो के रख लिया है। इसको हमने भिगोना नहीं है, सिर्फ वॉश करके रखना है। हम खिचड़ी अपनी कुकर में बनाएंगे। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहे तो किसी भी ऑयल में बना सकते हो या घी में बना सकते हो। अच्छे से गरम करने के बाद जीरा, लहसुन, करी पत्ता और मिर्ची इसमें मैंने डाली है। इसे अच्छे से भून लेंगे हम। एक बड़ी प्याज काट बारीक चॉप की हुई ऐड कर लेंगे। अच्छे से भून लेंगे इसको। एक चुटकी भर हींग ऐड करेंगे। इससे हमारी खिचड़ी का एक तो टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है और दूसरा डाइजेशन के लिए भी हींग बहुत अच्छी मानी गई है। तो हमें हींग का जो यूज़ है वो करना चाहिए अपने खाने में। बहुत ही अच्छा होता है ये। थोड़ा सा लाइट पिंक हो गया है हमारा प्याज। हमें हल्का ब्राउन होने तक अपने प्याज को भुनना है। अब हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें। 1 चुटकी भर मैंने मिर्च डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाली है मैंने। अब इनको भी हम भून लेंगे। एक बड़ी टमाटर का पेस्ट बना के रखा है मैंने, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब इसको हम अच्छे से इसमें मिलाएंगे, पकाएंगे जब तक कि ऑयल रिलीज नहीं हो जाता, तब तक हम इसको भूनेंगे। सॉल्ट ऐड कर रहे हो टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप कर सकते हो उसको ज्यादा या कम। सॉल्ट डालने से अभी एक तो टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे और जब हम मसाले को अपनी खिचड़ी में मिलाएंगे तो वो भी अच्छे से मिल जाएगा नमक। मैंने सब्जी ली है जुकीनी, कैरेट, मटर। आप अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी सब्जी ले सकती हो, गोभी, कुछ भी। तो हाफ कटोरी में मटर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। उसको भी अच्छे से मसाले में भुनेंगे हम। ये है मेरी कैरेट और जुकीनी, 1 बड़ी गाजर है और 1 हाफ जुकीनी ली है मैंने। इनको भी अच्छे से भुनेंगे। अब ये जो वॉश किए हुए दाल है, चावल है, इसको भी हम ऐड कर लेंगे। अच्छे से भून लेंगे इन सबको। यहाँ पे रोस्ट करना बहुत जरूरी होता है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खिचड़ी में। 3 कटोरी वाटर यूज कर रही हूँ मैं। मैंने 1 कटोरी दाल चावल लिया था, हाफ हाफ कटोरी, तो इसमें 3 कटोरी पानी डाला है। अगर पानी कम होता है खिचड़ी, क्योंकि हमें पतली चाहिए, तो हम दोबारा भी इसको बनने के बाद भी पानी ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच भर के हम गरम मसाला डालेंगे यहाँ पे। चलिए हम इसको अच्छे से मिला के कुकर बंद कर लेंगे और इसमें 5 सीटियां लगाएंगे।
वैसे तो 3-4 सीटी में हमारी खिचड़ी अच्छे से गल जाएगी, पर हम 5 थोड़ा सा ज़्यादा गल जाएगी उससे। उसके बाद हमें एकदम से कुकर को खोलना नहीं है। खिचड़ी की जब सीटी आ जाए 5, उसके बाद एकदम से हमने कुकर को खोल के नहीं रखना है, थोड़ी देर उसको रहने देना है गैस बंद करके, उसके बाद कुकर खोलना है। ये देखिए 5 सीटी आ गई है, मैंने 5 मिनट 10 मिनट बाद वेट करके कुकर को खोला है और खिचड़ी हमारी अच्छे से गल गई है। आप इसको अभी भी खा सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि थोड़ा पानी इसमें डालना है, थोड़ा लिक्विड करना है इसको, तो पानी भी ऐड कर सकते हो। तो मैं भी इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, पर ठंडा पानी नहीं डालना है, थोड़ा गुनगुना पानी लेना है इसके लिए। ये देखिए अच्छे से हमारी खिचड़ी बन गई है। अगर हम थोड़ा पानी डाल लेंगे तो हम 1 घंटे बाद भी खा सकते हैं खिचड़ी, नहीं तो हम ऐसे भी एज इट इज खा सकते हैं। अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही कलरफुल खिचड़ी है, इसमें कैरेट है, जुकीनी है, मटर है, दाल है। एक मतलब एक परफेक्ट मील है ये, हेल्दी मील। धनिया और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा से गार्निश किया है मैंने। आप इसमें बटर भी डाल सकते हो, मैं व्हाइट मक्खन यूज़ कर रही हूँ। ये खिचड़ी में बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के, बटर डाल के आप इसे एंजॉय कर सकते हो। थैंक